शुक्रवार को पत्नी को फोन करके कहा कि 10 अक्टूबर को अपने नए मकानों का गृह प्रवेश का मुहूर्त है, इसलिए तैयारियां कर लेना और मेरी मोटरसाइकिल भी ठीक करवा कर रखना, मैं जल्द घर आ रहा हूँ। रविवार को सुबह घर तो पहुंचा लेकिन तिरंगे में लिपटकर। कुछ ऐसा ही दृश्य नवलगढ़ उपखंड के नाहर सिंघानी गांव के पुनिया नगर में सेना में कार्यरत राजवीर सिंह पुनिया के घर देखने को मिला। सेना के 22 ऑर्डिनेंस डिपो सांबा जम्बू में कार्यरत नायक राजवीर सिंह पुनिया के पार्थिव देह सेना की गाड़ी से उनके घर पहुंची तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गाड़ी के साथ आए सैन्य अधिकारियों ने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही आस पड़ोस के कई लोग इकट्ठे हो गए। नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, पूर्व सैनिक कल्याण समिति नवलगढ़ के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट रामलाल सांघड़िया, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सूबेदार शौकत अली, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सैनी, नवलगढ़ DYS में मनोज गुप्ता, नवलगढ़ तहसीलदार महेंद्र सिंह रतनू, मुकुंदगढ़ थानाधिकारी अभिलाषा, सुभाष लांबा, विजेंद्र सिंह, चुन्नीलाल, हितेश थ्योरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि सैनिक के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे। दोपहर को सेना की गाड़ी में राजवीर सिंह की पार्थिव देह नाहर सिंघानी पुनिया नगर के मुक्तिधाम में लाई गई, जहां सेना के जवानों ने राजवीर सिंह के 7 वर्षीय पुत्र को तिरंगा सौंपा। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया व राजवीर सिंह के पुत्र ने पिता को मुखाग्नि दी। कुछ देर बाद शहीद राजवीर सिंह अमर रहे के नारों के साथ उनकी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। गांव में नया घर बनवाने के लिए लंबी छुट्टी पर रहे राजवीर सिंह ड्यूटी पर जाने के लिए 22 ऑर्डिनेंस डिपो जम्मू के लिए 15 सितंबर को घर से रवाना हुए थे। 16 सितंबर को उन्होंने अपने घर पर फोन करके बताया कि वह ड्यूटी पर पहुंच गए हैं। इसके बाद बीच बीच में फोन पर परिवारजनों से बात होती रही। राजवीर सिंह की पत्नी सुनीता देवी के अनुसार अंतिम बार शुक्रवार को राजवीर सिंह ने उन्हें फोन करके कहा कि 10 अक्टूबर को अपने नए घर का गृह प्रवेश का मुहूर्त है, इसलिए सभी तैयारियां करके रखना और मेरी मोटरसाइकिल भी ठीक करवा कर रखनी है, मैं जल्द घर आ रहा हूं। इसके बाद रविवार को उनकी पार्थिव देह ही घर पहुंची। राजवीर की एक 10 वर्षीय बेटी है जो दोनों पैरों से दिव्यांग है और बोल भी नहीं सकती। वह 7 वर्षीय बेटा है, पत्नी गृहिणी है, पिता मदन सिंह व माता प्रभाती देवी खेती का काम करते हैं। छोटा भाई अनिल कुमार सेना की राज राइफल में कार्यरत है। छोटी बहन अंजू शादीशुदा है और वह सरकारी अध्यापिका है। 41 वर्षीय राजवीर सिंह वर्ष 2004 में 20 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए थे। 22 साल सर्विस और सेना में सेवार्थ रहे हैं, इन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं। आज इनका पार्थिव देह इनके गांव लाया गया और अभी उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम अंत्येष्टि की गई है और सभी गांव वाले यहां पर मुख्य अपने जाखल साहब सभी आए हैं और इनको सैनिक सम्मान के साथ आज विदा किया जा रहा है और इनकी 22 साल सर्विस जो इनके बच्चे वगैरह हैं उनको जो भी आगे के लिए लाभ मिलेंगे जो सेना देती आई है वो दे मिलेंगे। गतिरोध वगैरह भी कोई कुछ कवर करने के लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे नार सिंघाड़ी की पुनिया की ढाणी में आज बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। हमने एक वीर सपूत को खो दिया है जो सेना में सेवारत थे, सांबा में उनकी पोस्टिंग थी। अचानक कल पता चला है कि वो शहीद हो गए हैं। सुबह तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन उनके साथ में जो आए थे सैनिक उनसे जब वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, उसके बाद उनके यूनिट में उनके अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो कागज़ हैं वो पीछे से हम बना के भेज रहे हैं, इनको जो भी शहीद का दर्जा देने की कोशिश करेंगे, जो भी फ़ायदा जो इनको मिलना चाहिए वो सारा का सारा मैक्सिमम दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहन ने भाई खो दिया, घरवाली ने अपना पति खो दिया, एक नाना मुन्ना है इनका 6-7 साल का, सबसे बड़ा दुख ये होता है उस बच्चे की तरफ देख करके, लेकिन क्या करें, भाग्य को यही मंजूर था। लेकिन एक सैनिक शहीद हुआ है, ये एक हमारे गर्व की भी बात है, क्योंकि एक सैनिक जब जाता है भर्ती होने के लिए उस टाइम में उसको पता चलता है कि जा तो मैं रहा हूँ लेकिन आऊँगा मेरी मर्जी से नहीं, और एक तिरंगे में लिपट के आना, तिरंगे में लिपट के आना एक सबसे बड़ी शान है। यह हर किसी को नसीब नहीं होता, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन एक तिरंगे में लिपट के आना, और आज ये हमारा राजवीर जो है तिरंगा में लिपट के आया है, इसको सह सम्मान
सैनिक सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की गई है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम उम्मीद करेंगे उनका जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं जो भी सेना की तरफ से मिलना चाहिए उनको मैक्सिमम मिले। और सैनिक कल्याण अधिकारी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी जो इनको बच्चों के लिए हो सकता है राज्य सरकार की तरफ से वो भी प्रयत्न करके इनको लाभ दिलवाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कागज लेकर के या कहीं व्हाट्सएप कीजिए या फैक्स कीजिए, जो भी करना।